जा रहे देखना। हेलो, या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपके जनरल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन में भी आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करेंगे कि एक्चुअली पॉपुलेशन क्या होता है। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पॉपुलेशन, कि अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस टाइप ऑफ डेटा सेट की बात कर रहे हैं। डेटा है, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग डेटा की बात करते हैं, और डेटा जो है वो जनरली मैं कैटेगराइज करूंगा तो मैं दो टाइप से कैटेगराइज करूंगा, उनमें से फर्स्ट टाइप है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस टाइप के डेटा की बात कर रहे हैं। सपोज इस क्लासरूम में 60 स्टूडेंट हैं, और अगर मैं इन सभी स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि मैं इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस क्लास की मैं बात कर रहा हूं। ओके, मैं इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं उन सबको कंसिडर करूं तो मैं इंटायर पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर अब उन्हीं में से मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो गेट के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मैं कुछ उनमें से सैंपल्स की बात कर रहा हूं, है ना, सैंपल्स की बात कर रहा हूं कि मैंने इंटायर पॉपुलेशन में से मैंने कुछ को सेलेक्ट किया है जो जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, मैंने उन सब की सिर्फ बात करने स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड ए सैंपल। सो जब भी हम लोग डेटा की बात करेंगे तो डेटा को हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक पॉपुलेशन होगा और दूसरा सैंपल होगा। अगर मैं पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपली मैं बोलूंगा कि सर ये इंटायर डेटा सेट की बात आप कर रहे हो, इसमें इंटायर डेटा सेट इन्वॉल्व होगा। ओके, अगर मैं सैंपल की मैं बात करूंगा तो सैंपल जो होंगे वो सैंपल एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, इंटायर पॉपुलेशन का सबसेट होगा वो। ओके, सो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर मैं सपोज एक क्लासरूम की बात कर रहा हूं और इस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसके मैथमेटिक्स में कुछ मार्क्स आए हैं 30, 40, 21, 97, 68, 62, ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं। अब मैंने से इसमें से एक ऐसा सेट बनाया जो मैंने आपको बोला कि जो भी स्टूडेंट है इनमें से मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो गेट जो एग्जाम्स में फर्स्ट ग्रेड ला रहा, और फर्स्ट ग्रेड का मैंने क्राइटेरिया रख लिया कि 60% एंड एबव जिसका मार्क्स आ रहा होगा वही फर्स्ट ग्रेड है। तो इनमें से जो मार्क्स आएंगे मैं उनको ही, ये 100 आउट ऑफ मार्क्स दिया गया है, या जो भी मार्क्स मैंने लिखा है आउट ऑफ 100 में लिखा है, मुझे सिर्फ 60% एंड एबव वाले चाहिए। सो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट 97, यस 68, यस 62, यस। सो दिस इज एक्चुअली द सैंपल ऑफ दिस डेटा। हमने इसमें 60% एंड एबव वाले को कंसिडर किया है, इसमें 100% मार्क्स वाले जो भी हैं वो 0 से 100% वाले उन सबको मैंने कंसिडर किया है, दैट्स वाई दिस इज पॉपुलेशन। ओके, एंड दिस इज सैंपल बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग द सैंपल ऑफ दिस वन। सो डेटा को मैंने, डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज इंटायर, सेकेंड वन इज सैंपल। सेकेंड वन, देखो क्वेश्चन कैसे टीडियस बन जाते हैं उन सब चीजों को हम लोग को समझना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन से लिखता हूं और आपको बताना है। देखो बेसिक 12th स्टैंडर्ड से ही लिंक होगा, ठीक है, और वो बेसिक 12th स्टैंडर्ड से लिंक होने के कारण आपको वो क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन MSQ, which of the following is oblique r measure of central tendency? Option A mean, option B median, ऑप्शन सी मॉड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कैन यू गिव मी सम क्लू अबाउट दिस वन, कौन लोग आंसर दे पाते हैं इसके, देखिए जरा। आई एम आस्किंग अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो नोट्स जब मैं बनाता हूं तो उसमें सारे कुछ मेंशन होता है, लेकिन उसको पढ़ते किस तरीके से, कितना उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बी बोल रहे हैं, कुछ लोग मीन बोल रहे हैं, कुछ लोग मीडियन बोल रहे हैं। जरा देखना मॉड जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या नहीं है, सोचिए जरा, मॉड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और नॉट? कोई ग्रुप में डाल देना यार, ये लिंक मेरा मैथमेटिक्स वाले ग्रुप में। कुछ लोग कुछ लोगों को लिंक का प्रॉब्लम हो रहा है तो लिंक डाल देना, मैसेज कर रहे हैं वो। उर्वशी, ओके। अभी तक सिर्फ एक पर्सन का आंसर सही निकल कर आया है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है ना कि हम मीन या मीडियन को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो बोल देते हैं, लेकिन हम लोग मॉड को सेंट्रल टेंडेंसी में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मॉड क्या होता है कि वो ज्यादा रिपीट करने वाला नंबर्स होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट करता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है। बट हाउ एवर दिस इज लिस्ट यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मॉड इज अ लिस्ट यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट दिस इज स्टिल अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। लिस्ट यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। सो वी विल से दैट दिस इज ऑल्सो वन, सो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं एमएसक्यू में। क्वेश्चन एमएसक्यू, Which of the following is measure of spreadness? Option A, mod. Option B, variance. Option C, a standard deviation. Option D, median. So which of the following is oblique R, measure of central measure of spreadness, measure of spreadness? Answer, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कुछ डेटा सेट अपने पास दिया हुआ है, है ना, उसको मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, तो इस डेटा का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट से कुछ रिलेशन रखने वाला जो डेटा हुआ, उस डेटा को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हम लोग सेंट्रल वैल्यू से टेंडेंसी रख रहे हैं मेजरमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस, वेरी गुड इलियास सत्यजीत। अगर मैं वेरिएंस की मैं बात करूं तो यह स्प्रीडनेस बताता है कि सेंट्रल वैल्यू से डेटा कैसा स्प्रीड हो रहा है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं कर्व कुछ ऐसा बनाऊं और एक कर्व कुछ ऐसा बनाऊं, तो आप बोलोगे कि इनमें से किसका वेरियंस ज्यादा है, इनमें से किसका वेरिएंस ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मींस अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। लेट से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो व्हाट यू विल से, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। सो वी विल से दैट सिग्मा वाई इज लेस देन सिग्मा एक्स।
अब आप ये चीज देखो कि सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ स्प्रिडनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो सेंट्रल वैल्यू इट मींस मीन वैल्यू से किसका डेटा ज्यादा स्प्रीड हुआ है, जिसका किसका डेटा ज्यादा स्प्रीड हुआ है। तो डेटा सेट देखो, यहां पे जो स्प्रिडनेस है वो ज्यादा है सेंट्रल वैल्यू, और ये जो है ना कॉम्पैक्ट की तरीके से है, ऐसा है कॉम्पैक्ट है, दूसरा वाला कुछ ऐसा है, तो ये स्प्रीड ज्यादा किया है। तो हम लोग यही बोलेंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्प्रीड कर रहा होगा डेटा, किससे स्प्रीड कर रहा होगा, सेंट्रल वैल्यू से स्प्रीड कर रहा होगा। सो वी विल से दैट वेरिएंस, वेरिएंस इज यस, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों में रिलेशन क्या है, स्क्वायर का। वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वी विल से दैट बी एंड सी बोथ आर द आंसर। ओके, नाउ फिर से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, गेट के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो एप्टीट्यूड में भी पूछा होगा कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो गेट के टेक्निकल सेक्शन में पूछा गया होगा उनको भी लेंगे। सो राइट डाउन डेटा, डेटा को मैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सो एक हम लोग बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा और एक हम लोग बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। सर ग्रुप्ड डेटा क्या है और अनग्रुप्ड डेटा क्या है? इन जनरल ग्रुप डेटा जो होता है ना वो कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये ग्रुप्ड डेटा है। मैंने 0 to 5 वाले डेटा को एक साथ कंसिडर किया है, 5 टू 10 वाले डेटा को एक साथ कंसीडर किया है, 10 टू 15 वाले डेटा को एक साथ कंसीडर किया है। अनग्रुप डेटा जो होता है ना वो रो डेटा के तरीके से होता है, 2, 4, 6, 9, 7, 10 ऐसे डेटा है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ओके, लेकिन बट ये प्रोसेस्ड नहीं, दिस इज नॉट प्रोसेस्ड। प्रोसेस करने का मतलब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये प्रोसेस हो सकता है। मैं इन जनरल असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना सीखूंगा, आप असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में करो नॉट एन इशू, बट मैं बोलूंगा कि आप ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। रीजन इसका मैं दे रहा हूं कि जब भी मैं नंबर लाइन पे वर्क करता हूं तो 0, 1, 2, 3, 4 हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। सो हम लोग डेटा को अरेंज करते टाइम पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो 2, 4, 6, 7, 9, 10 ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा है। तो जब भी हम अनग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे तो जब भी आपसे उससे कुछ डेटा निकालना होगा तो आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर ये सब में अरेंज कर लेना, तो आपको आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउएवर अगर मीन पूछा होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मीन का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। राइट ऑन मीन, इसको हम लोग एक्चुअल मीन भी बोलेंगे, इसी को हम लोग एवरेज भी बोलेंगे, इसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बोलेंगे, ये सब क्वांटिटी एक ही है, मीन एवरेज एक्सपेक्टेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, सब कुछ यही है। सो सिंपली हम लोग इसी को एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन, ये सब क्वांटिटी एक ही वैल्यूज दे रहा होगा। ओके, थोड़ा मार्कर दे देना। सर जी, चावड़ा भाई नहीं है इंक इसमें, देखना ना ब्लैक वाला देना थोड़ा। लेट्स से मैं कोई डेटा सेट ले रहा हूं एक्स, और इसमें कुछ एलिमेंट्स रख रहा हूं x1, x2, x3 अप टू xn। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? सर देयर आर टोटल n एलिमेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मीन ऑफ x, इसको हम लोग x बार से डिनोट किया करेंगे। x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n। सो वी विल से दैट x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, दिस इज एक्चुअली द मीन और एवरेज। ओके,
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहता था, उसका हम लोग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, और एवरेज हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो इसी में क्वेश्चंस क्या बन सकता है वो भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर एक्स दे दिया मुझे, ये एक्स दे दिया मुझे, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कोई डिफरेंट डेटा सेट है। इसरो में क्वेश्चन पूछा है और आपको मैं करवाया भी हूं ये क्वेश्चन। सो अगर मुझसे कोई मीन ऑफ वाई पूछेगा तो मीन ऑफ वाई निकालने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा ए इंटू मीन ऑफ एक्स प्लस बी। सो सिंपली वी विल से वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। सो समटाइम क्वेश्चंस इस तरीके से डाइवर्ट करके भी आ सकते हैं, आपको एक्स दिया हुआ है और इस एक्स के अकॉर्डिंग वाई की मीन वैल्यूज आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, वाई बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बार प्लस बी, मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट लगा देना है। अब हम लोग वर्क करेंगे थोड़ी देर के लिए ग्रुप्ड वाले डेटा पे, है ना, ये तो अनग्रुप डेटा हो गया, अब ग्रुप वाले डेटा पे बात करते हैं। मीन, और इस मीन को हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, और ये किसके लिए वैलिड होता है भैया, तो ये निकलता है हमारे लिए ग्रुप्ड डेटा में, ग्रुप डेटा में निकलता है। तो फार्मूला आपको मैं दे दूंगा, आप क्वेश्चन लिख लो और समझ लो कि हमें क्या करना है। दो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, दोनों क्वेश्चन में मुझे किस तरीके की चेंजिंग करते हुए करनी पड़ेगी क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। लेट से यहां पर कोई एक्स दिया हुआ है और यहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, सो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और मुझसे पूछा गया है कि मीन ऑफ एक्स क्या होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये जो एक्स है ना, आप पहले इसकी विड्थ चेक करो कि सबकी इक्वल है या नहीं। यस, 10, 10, 10, ये इक्वल रहेगा तभी हम आगे कैलकुलेट करने में पॉसिबल हो पाएंगे। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हमें पॉसिबल ही नहीं होगा उस चीज को कैलकुलेट करना। ओके, तो क्या ये जहां पे फिनिश हुआ है, क्या नेक्स्ट डेटा वहीं पे स्टार्ट हुआ है? यस, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, यस, जो हमें चाहिए वो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं यहां पर एक एक्स स्टार कैलकुलेट करूंगा। एक्स स्टार क्या होगा, ब्लैक वाला सिर्फ ये कहा नहीं, वो दोनों इंक फिनिश हो गए, पता नहीं क्या। हम लोग एक्स स्टार कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्टार क्या होगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दिस इज एक्स वन, एक्स टू, एक्स टू, एक्स थ्री, लाइक दिस वन। ओके, सो जस्ट आई विल यूज दैट वन। आपको करना क्या है कि जस्ट इसका एवरेज लेते चला जाना है और कुछ नहीं करना है। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई टू, दिस इज 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई टू 50, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई टू 25। सो नाउ वी विल यूज मीन, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x i स्टार एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, सो यहां पर आपको x स्टार का डेटा मिल गया, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, सो एक्स आई स्टार यहां पे है और इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वो डेटा सेट कितनी बार रिपीट किया है उसकी बात हो रही है। सो हम लोग लिखेंगे सर 5 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जो भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड कर लीजिए। सबको मैं ऐड करता हूं, 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यस, वो पता नहीं कहां पे, एक तो ये लग रहा है। अच्छा, कोई डाउट है भैया तो बता देना, वरना हम लोग आगे बढ़ें। ध्रुव इज आस्किंग स्टैंडर्ड डिविजन सेंट्रल टेंडेंसी क्यों नहीं होगा। सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होगा ना मेरे भाई, वो तो स्प्रीडनेस को हम मेजर कर रहे हैं। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू दिखाया कि सेंट्रल वैल्यू से कितनी स्प्रीड कर रही है, हम उस स्प्रीडनेस को मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग।
ओके उदिता, चलो आंसर आ गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 to 10, 11 to 21 एंड 11 to 1 पे चले जाओ, चलो 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 30। ओके, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। ओके, सो मुझे इसका मीन वैल्यूज फाइंड आउट करना है कि इसके लिए मीन क्या होगा। जो भी मीन है वो एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन इसलिए है क्योंकि इनके बीच में कौन सा नंबर 2 times रिपीट कर रहा है वो मुझे एग्जैक्ट नोन नहीं है। जस्ट वी आर सेइंग दैट एनी नंबर बिटवीन 1 to 2n इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 10 इज रिपीटिंग 2 times। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने बोला कि सबसे पहले आप इसकी विड्थ चेक कर लो, 10 - 1 9, 20 - 11 9, 30 - 21 9। बट जहां से यह स्टार्ट हो रहा है ना, ये जहां पे ये फिनिश हो रहा है ना वहां से यह स्टार्ट नहीं हो रहा है। जहां पे ये फिनिश हो रहा है ना वहां पे यह स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो मुझे सबसे पहले इसको इक्वल जहां से फिनिश हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा बना लेना है, तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ओके, सो मैं एक्स को नया जनरेट करता हूं। मैं इसको कुछ ऐसा लिखता हूं, 0.5 to 10.5। विद कितने हुए, सर 10.5 - 0.5 that is equal to 10। मैं यहां पर आया, मैंने इसको लिखा 10.5 to 20.5, अगेन विद 10 हो गए। मैंने यहां पर लिखा 20.5 to 30.5, अभी भी विद कितने 10 है। तो मैं ये 0.5, इन दोनों के जो बीच का गैप है ना वो 1 है। 11 - 10 करोगे तो कितने आएंगे, 1। तो सर आपने 0.5 क्यों ऐड किया, आपने 0.4, 0.2, 0.1 ऐसा क्यों नहीं ऐड किया। जो भी डिफरेंस मुझे नजर आएगा वो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। जो भी डिफरेंस इसके बीच का नजर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। 1/2 आया, इट मीन 0.5 पे हम लोग वर्क करेंगे। जो इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज दी हुई है, इनिशियल वैल्यूज में 0.5 सबस्ट्रैक्ट करूंगा और फाइनल वैल्यूज में 0.5 ऐड करूंगा। इनिशियल वैल्यूज में 0.5 सबस्ट्रैक्ट करूंगा, फाइनल वैल्यूज में 0.5 ऐड करूंगा। मुझे इस तरीके की टेंडेंसी रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा एक्स जिसके ऊपर हमारा फार्मूला जनरेट होगा वो हमारा आ चुका है। अब इससे मैं एक्स स्टार कैलकुलेट करूंगा। एक्स स्टार के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि इन दोनों की मिडिल वैल्यूज एक्स स्टार देगा। सो 0.5 + 10.5 / 2, 10.5 + 0.5 = 11, 11 / 2 = 5.5। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 10.5 + 20.5 / 2, तो 20 + 10 = 30, 31 / 2, 13 / 1 / 2 की बात करेंगे तो 15.5 आएगा। नेक्स्ट वन 20.5 + 30.5 / 2, दिस इज 51 / 2, दिस इज 25.5। हमारे पास कुछ ऐसा डेटा निकल कर आया। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 2, 3, 1 दी हुई है। मैंने यहाँ पर 2, 3, 1 रख लिया। अब मुझे x बार निकालना है, तो x बार में सेम फार्मूला यूज करूंगा, सिग्मा एक्स आई स्टार एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मैं यही फार्मूला यूज करूंगा। सो सर फार्मूला दिया हुआ है, आप जस्ट मल्टीपल करने वाले हो, 5.5 * 2 + 15.5 * 3 + 25.5 * 1 / sum of the frequency 2 + 3 + 1। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हिमांशु, ठीक है, एक मेल डाल देना आपको, जो आई थिंक प्ले करना चाहिए। आप बोल रहे हो नहीं प्ले कर रहा है, तो ठीक है, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक कि हर एक दो दिन पे मैं वीडियोस तो प्ले करके देख लेता हूँ, कौन सा मेरा वीडियोस प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके पास प्ले ना कर रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा उस चीज़ को। ओके, सो भैया अपना अपना आंसर मैच करते जाना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर लेना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी थ्योरी है, और इसमें भी अगर प्लस माइनस में थोड़ी सी गलती हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा, तो बहुत ही दुख होगा बाद में।
कि एग्जाम्स में सब कुछ आता था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण मेरा नेगेटिव मार्किंग हो गया। अब हम लोग मीडियन पे वर्क करते हैं। मीडियन मीडियन जो होता है वो सॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड मीन्स आइदर असेंडिंग और आइदर डिसेंडिंग, उस सॉर्टेड डेटा की वो मिडिल वैल्यू होती है जो मीडियन देती है। तो मीडियन इज द डेटा सेट, मीडियन इज द डेटा दैट डिवाइड द डेटा सेट इन टू इक्वल पार्ट। ओके, सो राइट डाउन मीडियन इज द वैल्यू फ्रॉम डेटा सेट डेट डिवाइड दी ऑर्डर्ड डेटा सेट इन टू इक्वल पार्ट। ओके, मैंने ऑर्डर्ड की बात की है। ऑर्डर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी पे बोलूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर अवॉइड करेंगे। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ और कुछ नहीं। हाउ एवर डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे तब पर भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना आपको बोलूंगा। सो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि क्या आंसर निकल कर आता है। जस्ट ये रिविजन के तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं और वो गलतियां माइनर होती है और एग्जाम्स में हम वो ना करें, ये बेटर रहेगा। सो लेट्स से एक्स कोई वैल्यूज दी हुई है 2, 5, 3, 9, 7, 8, 11। सो व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ एक्स। ओके, दिस इज द डेटा दैट इज अनग्रुप्ड। ये अनग्रुप्ड का मीडियन हम लोग पढ़ रहे हैं, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड का मीडियन निकालना। तो सर आपने पहले बोला कि दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 ऐसा ही डेटा है। थ्री डेटा इस साइड से लिया, थ्री डेटा इस साइड से लिया, मिडिल में एक टर्म दिख रहा है और इस टर्म को हम लोग मीडियन बोल लेंगे। दिस इज द मीडियन। ओके, तो मीडियन आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 7 फॉर द गिवन डेटा सेट। ओके, नेक्स्ट वन मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं अब। ओके, सो मैंने यहां पर लिखा 3, 5, 9, 11, 2, 6, 8, 10 मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब फिर से मैंने मीडियन पूछा है, तो सबसे पहले डेटा को मैं ऑर्डर्ड बनाऊंगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। सर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये डेटा रह गया। सर थ्री डेटा इस साइड से ले रहा हूं, थ्री डेटा इस साइड से ले रहा हूं, मिडिल में मेरे पास दो डेटा बच रहे हैं, तो इन दोनों डेटा का एवरेज लूंगा और डेट एवरेज विल बी मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 6 + 8 / 2, 8 + 6 = 14, 14 / 2 डेट इज 7, 7 इज द मीडियन फॉर दिस वन। यस, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन, सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें भी लिख लो, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और मुझे y का मीडियन पूछा हो, तो y का मीडियन निकालने के लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a इंटू मीडियन ऑफ x प्लस बी। हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। अगर y का मीडियन और x का डेटा देकर y का मीडियन पूछा हो तो मैं इसी फार्मूले का यूज कर लूंगा। यस हिमांशु, यू आर सेइंग राइट दैट एनी नंबर बिटवीन 6 and 8, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी 7 बिकॉज दिस वन इज एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू। ओके, सो गेट के एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाले आंसर देना है। अगर स्टैटिस्टिक्स के डेप्थ में जाओगे तो आप बोलोगे एनी नंबर बिटवीन 6 and 8 इज अ मीडियन। हाउएवर देखो, अगर मैं बोलूँ कि इसके बीच में एक नंबर इंजर्ट कर दो 6.1, 6.1 विल बी मीडियन।
मैं इसके बीच में एक नंबर एडजस्ट कर दूं 6.8, डेट विल बी मीडियन। मैं 7.99 कर दूं, वो भी एक मीडियन होगा। तो एनी वैल्यूज बिटवीन 6 और 8 हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर हम लोग 7 पे जाएंगे, क्योंकि 7 इन दोनों के मिडिल में है। मिडिल में लाने के लिए तो हम पॉइंट्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में पहुंच रहे हैं। ओके, अब हम लोग थोड़े ग्रुप्ड डेटा पे वर्क कर लेते हैं। मीडियन, एज्यूम्ड मीडियन होता है ये, और ये ग्रुप्ड डेटा के लिए वैलिड होता है। लेट्स से एक्स को डेटा दिया हुआ है यहां पर, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 1, 2, 1, 3, ऐसे दिए हुए फ्रीक्वेंसी। ओके, अब स्टेप वाइज जाएंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो देख लो सबकी विड्थ इक्वल है क्या। हाँ, जहां पे एंड हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यस, हमें कोई भी एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये जो एफ लिखा हुआ है ना, इन सब एफ को ऐड कर लूंगा, और मैं इसको लिखूंगा एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको सबको ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 1 + 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये फ्रीक्वेंसी 7 निकल कर आए। अब मैं एन डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ। एन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.5 आएगा। सर ऐसा एन डिवाइडेड बाई 2 कर ही क्यों रहे हो, हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, मीडियन पे। मीडियन क्या होता है, जो मिडिल में होता है। ये नंबर क्या बता रहे हैं कि इसके बीच का नंबर 1 टाइम होगा, इसके बीच का नंबर 2 टाइम होगा, इसके बीच का नंबर 1 टाइम होगा, इसके बीच का नंबर 3 टाइम होगा। तो मैं पूरे डेटा सेट, टोटल डेटा सेट कितने, 7, उस 7 डेटा सेट को मैं अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड नहीं है। ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। सो मैं उस डेटा को जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 3.5 आया। ये 3.5 कहां पर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर यहां पे 1 है। अगर मैं इस डेटा सेट में पहुंच रहा हूं तो इसके पहले टोटल कितने हो गए, 1 + 2, 3। अगर इसको भी इन्वॉल्व करूं तो 4। 3.5 कहां आया, इसमें आया। तो आप यहां पर बी लिख लोगे, दिस इज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, बी इज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सर यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 7 आ रहा है। ये 3.5 किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, सर यहां तो 3 है, यहां पे 4 है, 3.5 इसमें आएगा। सो वाट एवर द नंबर इज देयर, वी विल से दैट दिस इज बिलोंगिंग टू मीडियन क्लास। ये जो है ये मीडियन क्लास को डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन इतना भी हो सकता है एमएसक्यू में, मीडियन इज इक्वल टू दिस वन, मीडियन क्लास इज इक्वल टू दिस वन, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू मीडियन क्लास इज दिस वन, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ओके, सो रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन हाँ जब आ जाते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नहीं आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ ले रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जस्ट उसी को रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग मीडियन की बात करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला क्या है सर, मीडियन का फार्मूला है कैपिटल एल प्लस एन बाई 2 माइनस बी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एन टू जी। अब एक एक टर्म्स में यहां पर मेंशन करूंगा कि कौन सा टर्म क्या है। ओके, ये मीडियन क्लास है, मैं इस साइड में लिख देता हूं मीडियन क्लास। ओके, सो सर यहां पर एल है और L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। B क्या है, B कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, लिख लीजिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। इसको ध्यान में रखना, समटाइम मिस्टेक क्या करते हैं ना कि हम इसको ले लेते हैं बी में, नहीं, बी क्या है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। ओके, एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
जी क्या है? ग्रुप विद, ग्रुप विद, ग्रुप विद किसको बोलेंगे? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 10, 15 to 20. विद कितनी है इसकी? 5. सो ग्रुप विद इज 5 है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो मुझे मीडियन क्लास पता चल गया. मीडियन क्लास का मुझे लोअर लिमिट चाहिए. ये मीडियन क्लास है और ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना आया? 10. सो आई विल राइट हेयर 10 प्लस n बाई टू इज 3.5. आई विल राइट हेयर 3.5 माइनस बी. बी इज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप. मीडियन क्लास जो है वो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे. कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हेयर इज 3. I will write 3 here. Now, frequency of the median class. Okay, median class की frequency कितनी है? ये frequency रही median class की. Median group बोलो, median class बोलो. Okay, 1. So, I will write 1 here. Into group width. Group width is what? Sir, group width is 5. So, I will write 5 here. Okay. So, just do the calculation. 10 plus 3.5 minus 3 is 0.5. And 0.5 into 5. Okay. So, 10 plus 2.5 is equal to 12.5. देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, है ना? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. 1 मार्क में भी हो सकते हैं, 2 मार्क में भी हो सकते हैं. आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. 12.5 आ गया, बहुत अच्छा. एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस. क्वेश्चन एक्स दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31. चलो इतना ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ही रहने देते हैं. 4, 3, 2. ओके, ऐसे दी हुई है. तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को चेक करूं, सर विद कितनी है? विद इज नाइन. हाँ, कैलकुलेट किया जा सकता है. जहां पे स्टार्ट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है. जहां पे फिनिश हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो मुझे उस गैप को फिल करना है. गैप कितने का है? सर 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. 11 माइनस 10, 21 माइनस 20, दैट इज 1. 1 की गैप है. जितनी की गैप है डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद जो नंबर आएगा, हम उसी से डेटा सेट को एक्सटेंड करके गैप को फिल करेंगे. ओके, लोअर लिमिट में वो नंबर सबस्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में वो नंबर ऐड करेंगे और उससे एक नया डेटा सेट बनाएंगे. सो वी विल राइट 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5. ओके, और इन सारे डेटा से मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं. फ्रीक्वेंसी इज 4, 3, 2. मैंने कैपिटल एन कैलकुलेट किया. कैपिटल एन इज सिग्मा एफ आई. और इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद 4 plus 3, 7 plus 2, 9 आ रहा है. मैंने एन बाई 2 किया, एन बाई 2 इज 4.5 आया. मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का यहां पर लिखा, यहां पे 4 आएंगे, 4 plus 3, यहां पे 7 आएंगे, 7 plus 2, यहां पे 9 आएंगे. ओके, So, अब हम लोग 4.5 को ऑब्जर्व करेंगे. 4.5 किस डेटा सेट में आएगा? सर यहां तो 4 है, 4.5 तो यहां ही जंप लेने वाला है, ये 7 वाले में ही होगा. सो वी विल से डेट ये जो डेटा सेट निकल कर आ रहा है, ये जो हुआ अपना 10.5 to 20.5, ये अपना मीडियन क्लास है.
सो वी विल राइट दिस एज अ मीडियन क्लास. ओके, अब जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे. सो हम लोग लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस एन बाई टू माइनस बी अपॉन एफ एम इन टू जी. सर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इट इज 10.5 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू इज 4.5 माइनस फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास. कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज 7 फॉर द मीडियन क्लास और उसके बिफोर 4. सो आई विल राइट 4 हियर डिवाइडेड बाई एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 3 इन टू ग्रुप विद, ग्रुप विद कितने का है भाई 10 का है. सो आई विल राइट हेयर 10. ओके, सो ये 10 हो गया. यहां पर कितना नजर आ रहा था 9, यहां पर कितना हो रहा है 10. तो ये इफेक्ट आता है, इस चीज का ध्यान में रखना. ऐसा नहीं कि ये यहां से 9 कंसीडर कर लेना. यहां से देखो कितना है 10.5 माइनस 0.5 10 है. वो एक्सटेंशन के कारण एक बढ़ गया है, वो 10 हुआ है. अब इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो. 10.5 प्लस 4.5 माइनस 4 डेट इज 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इन टू 10. सो दिस इज 10.5 प्लस 5 बाई 3 5 बाई 3 इज 1.66 समथिंग 666 ऐसा लिखोगे और ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा. तो मीडियन ग्रुप डेटा के लिए भी मैंने फिनिश किया. 12.16 और 12.55 कैसे आया भैया, 12.16 नहीं आना चाहिए, 12.16 बोलो, 12.17 बोलो, 167 बोलो, ऐसा बोलो. हाँ ठीक है, अब मोड पे आते हैं हम लोग, फिर हम लोग गेट का क्वेश्चन करेंगे इसके बेस्ट पे, है ना. सो राइट डाउन मोड. मोड क्या होता है, इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा. ओके, जो भी डेटा सेट दिया हुआ है उसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रहेगा, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड रहेगा, हम उसको ही मॉड बोलेंगे. तो सिंपल है सर, x इज इक्वल टू मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 5, 3, 7 ऐसा लिखा. तो मैंने आपसे पूछा कि ये डेटा सेट में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ऑकर हुआ है. कुछ ना समझ में आए तो अरेंज कर लेना, आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा. सर अरेंज कर रहा हूं 1, 2, 1 लिया, 2 लिया, 2 एक बार और है, 2 3 देख लो, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 उसके बाद 3 के बाद कौन सा आ रहा है सर, 5 आ रहा है, 5, 5, 5, 5 लिख लिया. और भी कोई बचा गया, यस एक लास्ट 7 बच गया, 7 लिख लिया. देख लो कौन सबसे ज्यादा टाइम है, सर 3 सबसे ज्यादा टाइम ऑकर हो रहा है. जो सबसे ज्यादा टाइम ऑकर हो रहा है वही मॉड होगा. सो वी विल राइट मॉड इज इक्वल टू 3. ओके, मॉड 3, वो कितनी बार रिपीट किया है वो नहीं है, वो नंबर है जो मॉड है. अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है तो इसके लिए भी आप लिख लीजिए, मॉड के लिए वही रिलेशन अप्लाई होगा. गेट में ये सब क्वेश्चन पूछा है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू a टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस बी. ओके, क्वेश्चन कैसा पूछा था गेट में, इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन विल चेंज फॉर मीन मीडियन मॉड और नॉट. सो देखो सिंपल सी चीज है ना, कि अगर मैं यहां पर एक्स आई लिखूं तो आप यहां पर क्या लिखोगे, वाई आई. अगर मैं यहां पर एक्स वन लिखूं तो आप यहां पर वाई वन लिखोगे, एक्स टू लिखूं तो आप यहां पर वाई टू लिखो. सो इंडेक्स पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वैल्यू चेंज कर सकता है, इंडेक्स पोजीशन चेंज नहीं करेगा. जो इंडेक्स पोजीशन एक्स का है वही इंडेक्स पोजीशन वाई का रहेगा. हाँ, एक्स का जो मॉड होगा वो चेंज हो सकता है वाई के मॉड से, है ना, लेकिन इंडेक्स पोजीशन तो मॉड 4 ग्रुप डेटा, मॉड 4 ग्रुप डेटा. सबसे पहले मैंने एक एक्स लिखा और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 1, 3, 5, 2 ऐसा मैंने लिख लिया. अब मुझे इसका मॉड चाहिए कि ये जो डेटा सेट दिया हुआ है इस डेटा सेट के लिए मॉड क्या होंगे. एक्चुअली देखो
मॉड क्या है, जो सबसे ज्यादा टाइम ऑकर होता है, इनमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम ऑकर होगा। तो एक्चुअली डेटा सेट तो ग्रुप दिया हुआ है, तो ग्रुप दिया हुआ है तो हम लोग एग्जैक्ट की तो कभी बात ही नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग एज्यूम्ड की बात करेंगे। तो जो भी मॉड निकल कर यहां से आएगा वो एज्यूम्ड मॉड होगा, एग्जैक्ट मॉड नहीं होगा। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट मॉड और एज्यूम्ड मॉड। ओके, एग्जैक्ट मॉड तभी पता होगा जब मुझे एग्जैक्ट डेटा पता हो, 0 to 5 के बीच में कौन सा डेटा वन टाइम है पता नहीं, 5 to 10 के बीच में कौन सा डेटा 3 times है पता नहीं। So, assumed की हम लोग बात करेंगे यहां। तो मॉड निकालना है, मॉड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा सैंपल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है? दिस वन इज 5, दिस इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, कोई पूछेगा मॉडल क्लास क्या है, 10 to 15 is the model class. Why? It is having the highest frequency. Highest frequency है, that's why this is the model class. Okay. Now, mod का formula लिखेंगे. Mod is equal to L plus FM minus 1 upon 2FM minus FM minus 1 minus FM plus 1 इनटू जी। ओके, तो एल क्या है सर, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफएम क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। FM-1 क्या है, फ्रीक्वेंसी बिफोर the model class। FM+1 क्या है सर, frequency after the model class, frequency after the model class। G is group with, G में तो कुछ problem ही नहीं होना चाहिए, group with होता है ये, G is group with। Actually जो भी data दिया हुआ है ना, देखो 0 to 5 same with में है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे ये फिनिश हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, हमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और हम कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सर L चाहिए, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये रहा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास बनाएगा। मॉडल क्लास क्या है सर, 10। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है सर, 10। सो L की वैल्यू 10 हो गई यहां पर। प्लस FM, FM is what? Frequency of the model class. Model class की frequency कितनी है सर, 5. So I will write 5 here. Minus FM minus 1, frequency before the model class. Model class के before की frequency कितनी है, 3. I will write 3 here. Divided by 2FM. 2FM is 10. Minus FM minus 1, that is 3. Minus FM plus 1, आगे जाएंगे. सर यहाँ पे 2 आएगा. Into group with, group with कितनी है सर, 5. I will write 5 here. ओके, अब ये लिख लेने के बाद कैलकुलेशन ही बचा है, यही तो मॉड का कैलकुलेशन है। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 एंड 2 5, 10 माइनस 5 डेट इज 5 एंड 2 5 इज इक्वल टू 5, 5 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 2 इज 12, 12 इज द आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू की तरह निकल कर आया, 12 पॉइंट में नहीं है ये, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन दिस इज अगेन अ एज्यूम्ड इसलिए क्योंकि ग्रुप में है। यस, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, दर्शन है, वर्षिल है, मोहित है, या सो दो एग्जांपल जो मैंने पहले भी करवाए हैं, मीन में और मीडियन में, जिसमें हमने इरेगुलर रखा था, जैसे 1 to 9, 10 to 20, 11 1 to 10 एंड 11 to 20, 21 to 30 टाइप से। तो इस ग्रुप को विद, इस ग्रुप को रेगुलर बनाने के लिए जो हमने स्टेटमेंट दिया था 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, तो इस टाइप के क्वेश्चन मॉड में भी आ सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना नहीं। ओके, दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए मैं आगे उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं उसमें। ओके, कुछ गेट के क्वेश्चन करते हैं यार, हो गया आप ये तो ठीक है, कुछ गेट के क्वेश्चन करना चाहिए अपने को।
गेट का क्वेश्चन ओके गेट का क्वेश्चन कहाँ गया ओके गेट 2016 का क्वेश्चन है क्वेश्चन गेट 2016 सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा है द स्पॉट स्पीड एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर observed at a road junction road section are 66 62 45 79 32 51 56, 60, 53, and 49. The median speed expressed in kilometer per hour is fill in the blank. सो भैया बता दीजिए आंसर. देखो जो मीडियन आपको मैंने पढ़ाया अनग्रुप्ड डेटा का है सेम क्वेश्चन. कुछ डेटा सेट दिया हुआ है, वो डेटा सेट को बोला कि स्पीड है, कुछ बाइक्स वो होंगे कार होंगे कुछ होंगे उनकी स्पीड दिया हुआ है, वो स्पीड यहां पर मेंशन किया हुआ है. क्या पूछा भैया? मीडियन स्पीड पूछा. किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, किलोमीटर पर आवर में ही मीडियन स्पीड मुझे पूछा है. सो डेटा सॉर्टेड है क्या? नहीं, डेटा सॉर्टेड नहीं है. तो हम क्या करेंगे? पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद आंसर देंगे. देखते हैं कौन आंसर सही लाते हैं. एनीवन? कुछ लोग भी आंसर दे देंगे तो अच्छा लगेगा भाई. दर्शन इज सेइंग द आंसर, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सबसे छोटा नंबर सर 32, उसके बाद 32 के बाद 45 है सर, 45 के बाद 51, देन 53, देन 56, देन 56, ओके 49 इज मिसिंग, 45, 49, ओके 49 भी हो गया, 56, 56, 60, 60 के बाद कौन सा आ गया, 62, 62 के बाद 66, 79, 66, 79, ओके. सो जस्ट ऑब्जर्व द डेटा सेट. फोर डेटा सेट इधर से ले रहा हूँ, फोर डेटा सेट इधर से ले रहा हूँ. मिडिल में अपने पास दो वैल्यूज हैं. मैं मीडियन की बात करूँगा तो मीडियन इज 53 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2. देखो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. अब ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में हम ऐसा तो एंटर नहीं कर सकते ना, एनी वैल्यूज बिटवीन डेट एंड डेट, डेट इज हाइपोथेटिकल लाइक. ओके, वी विल जस्ट गिव एवरेज वैल्यू ऑफ डेट वन ओनली. ओके, so we can write 109 divided by 2, that is 104.5, sorry 54.5. okay, so बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है. yes, very good. so एक क्वेश्चन तो सिविल का देखो यहाँ पे कर लिया, और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग.
ओके, मैकेनिकल 2017 का क्वेश्चन है, गेट 2017 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अ सैंपल ऑफ 15 डेटा इज एज फॉलोज, 17, 18, 17, 17, 13, 18, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 17, 3. The mod of data is option A 4, option B 13, option C 17, option D 20. ठीक है, ट्राई कीजिए. देखो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं. ओके, डेटा को अरेंज करके मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर लूंगा कि कौन से नंबर सबसे ज्यादा टाइम अकर हुआ है. हाउएवर, जब ऑप्शन दिए हुए हैं ना तो वो सबसे आसान हो जाते हैं. फोर कितनी बार है काउंट कर लो. सर जीरो टाइम है, ये एक बार भी नहीं आया. थर्टीन कितनी टाइम है वो काउंट कर लो. वन टाइम है. सेवनटीन कितने टाइम है. वन टू थ्री फोर टाइम है ये. ट्वेंटी कितने टाइम है. सर वन. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देगा वही मॉड बनेगा. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज फॉर 17. आंसर इज सी. मैं अननेसेसरी अरेंज क्यों करूं, सॉर्ट क्यों करूं, कोई मतलब नहीं. अगर ऑप्शन दिया हुआ है मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उन नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक कर लूं कि वो नंबर्स कितनी बार है. वो नंबर जितनी बार है वो सामने में लिखते चला गया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लिया. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो इन्हीं में से देना है. ओके, थोड़े और भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन. वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इट इज जस्ट फॉर पॉपुलेशन. ओके, जो भी फार्मूला मैं लिखा हुआ हूं वो पॉपुलेशन के लिए लिख रहा हूं. अगर कभी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में सैंपल वर्ड यूज कर दिया तो सैंपल वर्ड यूज करेंगे, तो जो फार्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे. इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना. ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूं आइदर ये पॉपुलेशन वर्ड नहीं होना चाहिए या फिर पॉपुलेशन मेंशन होना चाहिए. इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा जो मैं मेंशन यहां कर रहा हूं. सो राइट ऑन. Variance of x is equal to sigma dx whole square upon n minus sigma dx upon n whole square. Somehow किसी किसी बुक में आप इसी फार्मूले को कुछ डिफरेंट वे में लिखते हुए देखोगे. पहले तो यहां पर मैं बता दूं कि dx क्या है. ओके, dx जो है वो चेंज है किस में. एक्स आई माइनस वन. ओके, सो dx क्या है, चेंज है. जो भी वहां पर वैल्यूज दूंगा मैं एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल में जो चेंज आ रहा होगा वैल्यू x की वैल्यूज में उसको हम लोग dx से डिनोट कर रहे हैं. सॉरी, एक्स आई माइनस म्यू, नॉट आई माइनस वन, एक्स आई माइनस म्यू. म्यू इज वॉट मीन. ये मिस्टेक हो रहा था बहुत बड़ा. ठीक है, dx इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स बार इज जस्ट मीन वैल्यू. सो समटाइम एक्स बार लिखा हुआ, समटाइम म्यू लिखा हुआ रहेगा. तो जो भी आईएथ वैल्यू है उसमें मीन वैल्यूज को सबस्ट्रैक्ट करूंगा, डेट विल गिव दी dx. dx यहां पर म्यू लिखा है मैंने, यहां पर एक्स बार लिखा है, दोनों एक्चुअली सेम है. ध्यान में रखना,
ये जो मैं dx दे रहा हूं वो इस फार्मूले के लिए ऐसा दे रहा हूं, कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया एब्सोल्यूट चेंज इन x फ्रॉम इट्स मीडियन वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज इन x क्या, x में से मैं कुछ सबस्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उसका मॉड ले रहा हूं, मॉड मतलब एब्सोल्यूट होता है, फ्रॉम मीडियन वैल्यू बोला है तो मैं यहां पर मीडियन लूंगा, फ्रॉम मीन वैल्यूज बोला है तो मैं यहां पे मीन वैल्यू लेगा, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो वहां पर मीन ही यूज होगा, वहां पे चेंज नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने के लिए यहां पर एक्स आई माइनस म्यू ही यूज करेंगे, एक्स आई माइनस म्यू या एक्स आई माइनस एक्स बार और मीन वैल्यू दोनों सेम होता है। ओके सर, वेरियंस में इन जनरल हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये वाला टर्म होता ही नहीं है, आप ये वाला एक्स्ट्रा टर्म क्यों लेकर आ रहे हो, मुझे ये चीज़ का समझना है कि ये टर्म कब हमारे लिए यूजफुल होगा कब हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। आप जहाँ कहीं भी फार्मूला देखोगे ना लोकल ऑदर की बुक में या फिर कोई भी लोकल इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा रहा है आज के डेट में, आप हर जगह पे यही फार्मूला देखोगे, आप ये वाला फार्मूला देखोगे नहीं, ये वाला टर्म्स दिखेगा ही नहीं आपको, डायरेक्टली ये दिखेगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, दैट इज कॉल्ड एज वेरियंस, ये फार्मूला आपको ये वाला टर्म दिखेगा नहीं। नहीं दिखने का रीजन क्या है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं, पहले एक एग्जांपल लूंगा उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ये फार्मूला मैं फिर से लिखूंगा। ओके सपोज मैंने x इज इक्वल टू कोई डेटा सेट ले लिया 2, 3, 5, 8, ओके ये मैंने लिखा, मैंने पूछा कि इसके लिए आप मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल के दो कि क्या है, मैंने आपको अभी कुछ नहीं बोला सैंपल वगैरह, ठीक है। सो जब मैंने सैंपल नहीं बोला है तो आपको सैंपल नहीं समझना है, मैं इसको इंटायर पॉपुलेशन ही समझ कर चलूंगा, जब मैं सैंपल वर्ड यूज कर दूंगा तो आपको समझना है कि हाँ सैंपल वर्ड यूज है इसलिए सैंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अभी सैंपल की बात नहीं हुई, मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना है, कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक्स लिखूंगा, x के नीचे मैं पूरा डेटा सेट लिख लूंगा जो भी मेंशन है यहाँ पे, मैंने लिख लिया 2, 3, 5, 7, 8, मैंने अरेंज करके जानबूझ के लिखा है। ओके मैं यहाँ पर dx लिखूंगा, यहाँ पर क्या करेंगे सर, मैं यहाँ पर x बार कैलकुलेट करूंगा, x बार क्या होता है जितने नंबर्स हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, सो 2 + 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 5 डेट विल गिव दी x बार, सो 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 15 = 25, 25 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज 5, x बार जो निकल कर आया वो 5 निकल कर आया, dx जो है वो x माइनस एक्स बार है, dx इज x माइनस एक्स बार, सो x माइनस एक्स बार अब कैलकुलेट करेंगे कि क्या आएगा, दिस इज x, दिस इज x बार, 2 - 5 - 3, 3 - 5 - 2, 5 - 5 = 0, 7 - 5 = 2, 8 - 5 = 3, सो कैन यू कैलकुलेट सिग्मा dx, जरा कैलकुलेट करके देखना सर, -3 + 3 = 0, -2 + 2 = 0, सबको ऐड कर लेंगे 0 आ रहा है सर, आपने जो फार्मूला मुझे बताया वेरिएंस ऑफ x का वो फार्मूला है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n होल स्क्वायर, सिग्मा dx तो सर 0 आ रहा है, तो ये वाला टर्म्स यहाँ पे 0 आ रहा है और ये 0 आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो हमेशा 0 बन रहा है, कब 0 बन रहा है ये इंपॉर्टेंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो डेटा दिया हुआ है वो कौन सा है, एज्यूम्ड वाला के अकॉर्डिंग है या फिर एक्चुअल के अकॉर्डिंग देगा, दिस इज नॉट द ग्रुप्ड डेटा, जब ग्रुप डेटा का कॉन्सेप्ट होता है तो वहां पर एक्चुअल मीन नहीं निकलेगा, ये जो मीन निकल कर आ रहा है 5 ये एक्चुअल है और एक्चुअल होने के कारण ये सिग्मा dx 0 हो रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो ये x बार है भले ही एग्जाम में आए इतने डेप्थ में या ना आए लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देकर जा रहा हूं, इंटरव्यू में हो सकता है आपको फेस करते टाइम पे ये फार्मूला का सिग्निफिकेंस पूछ दे, या आप हो सकता है सिर्फ ये लिख कर आओ तो वो बोले कि ये वाला फार्मूला क्या है, इंटरव्यू में हो सकता है ऐसा। ओके एक्स बार की वैल्यूज 5 है, दिस इज एक्चुअली द एक्चुअल डेटा सेट दिया हुआ था और उससे मैंने एक्चुअल मीन निकाला, जब भी हम लोग कुछ ऐसे डेटा सेट की बात करेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये एक्स है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेट सेट 3 to 5, तो मैं इससे जो मीन निकाल कर लाऊंगा वही मीन तो हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं,
और ये जो मीन होगा वो कौन सा मीन होगा, दैट मीन विल बी एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन में सिग्मा डीएक्स का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम लोग उसको यूज में लाएंगे। हाउएवर इन जनरल इट इज जीरो फॉर दिस टाइप ऑफ सैंपल डेटा, ओके, दिस टाइप ऑफ डेटा, ओके। सो सिग्मा डीएक्स स्क्वायर वी नीड, डीएक्स इज हियर, जस्ट मेक अ स्क्वायर ऑन ईच द टर्म एंड एड देम, माइनस थ्री स्क्वायर 9, माइनस टू स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइडेड बाई 5, सो 9 प्लस 4, 13, 13 प्लस 13, 26, 26 अपॉन 5, वी विल से 5.2, सो वेरियंस आ गया 5.2, ये वाला टर्म्स 0 हो रहा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। दैट्स वाई समटाइम्स जो फार्मूला लिखा हुआ होता है वो कुछ फार्मूला ऐसा लिखा हुआ होता है, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, कभी एक्स बार होगा, कभी यहाँ पर म्यू लिखा हुआ होगा, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ये वाले टर्म्स वो नहीं लिखते हैं, वो यूज में नहीं लाते हैं, वो छोड़ देते हैं, ओके। अगेन फिर से रिमाइंड करा दूं, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो वेरियंस ऑफ वाई क्या होगा? सर वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स लिखेंगे, बी का वेरियंस जीरो हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओके। सेकेंड वन, वेरियंस जो होते हैं, किसी का भी वेरियंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जीरो वेरियंस कब आएगा? जब वो कॉन्स्टेंट हो, एक्स जो हो वो कॉन्स्टेंट हो, तो वेरियंस जीरो आ जाएगा, ओके। सर स्टैंडर्ड डिविजन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविजन के बारे में क्या ख्याल है? हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविजन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डिविजन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविजन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, अगर एक्स के लिए लिख रहे हैं तो सिग्मा एक्स, और जो वेरियंस होता है वेरियंस को हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं? वेरियंस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके। सो स्टैंडर्ड डिविजन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो स्टैंडर्ड डिविजन एंड वेरियंस दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। So write on a question, find the standard deviation of x for given data set x is equal to 2, 3, 5, 9, 8. सो आपको इसमें से स्टैंडर्ड डिविजन फाइंड आउट करना है, कीजिए। सो स्टैंडर्ड डिविजन बोला गया है x का, ओके। तो x को अरेंज कर लेते हैं 2, 3, 3, 5, 8, 9, ओके। सो x बार वी विल फर्स्ट कैलकुलेट x बार, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम कितने आ रहे हैं? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30, 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म 3 एंड 3 6, सो x बार वी आर गेटिंग लाइक 5, सो आई विल राइट हियर dx, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2
0, 3, 4. So you will check what is sigma dx. Minus 7 plus 7, we are getting 0. No need to check if the data are actual only. Okay. So bar bar check karne ke bhi koi zarurat nahi, wo 0 aane hi wala hai. So, theek hai. So variance of x kya hoga? Sigma dx square upon n. लास्ट वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो जीरो आने वाला है ना. dx स्क्वायर, dx दिया हुआ है, स्क्वायर कर लेते हैं. 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय सैंपल्स 6. ओके, सो जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए. 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 16, 41, 41 डिवाइडेड बाई 6, जो भी आ जाएंगे. स्टैंडर्ड डिविशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, डेसिमल में आ जाएगा, चेक कर लेना. जो भी आ गया है प्लस माइनस, प्लस ही आएगा, माइनस तो नहीं आएगा. ओके, तो कुछ लोग तो आंसर भी दे दिए होंगे आई थिंक. टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव. रूट सेवन कहाँ से आया दिगंत? कुछ मिस्टेक है क्या मेरा? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 ये 42 हो गए क्या? ओके, सो दिस इज 7 ना? यस. ओके ठीक है. यस ओके, अब हम लोग वर्क कर लेते हैं. जो गेट में तीन चार बार क्वेश्चन पूछा है ओके, हम उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन में सर गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसके ऊपर मेरा प्रैक्टिस करवा दो. सो राइट डाउन वेरियंस एंड a standard deviation for samples. ये हम लोग तब बात करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन होगा सैंपल. ओके, सो राइट ऑन वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन. सो अगर हमें सिग्मा x की बात करेगा तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन स्क्वायर रूट. इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पे सैंपल मेंशन है और गेट में तीन बार क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिख लिया. सर एक क्वेश्चन करा दो, सेम ही होंगे. इन अ क्लासरूम ऑफ 50 स्टूडेंट्स the students scoring first class having the percentage marks given by x is equal to 62 65, 70, 82, 61. Then a standard deviation is, a standard deviation find out करनी है. So question अच्छा है, लिखिए. अब देखो आपको लैंग्वेज में पता चलना चाहिए कि सैंपल की बात क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है. क्लासरूम की बात हो रही है, 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है और उनमें से फर्स्ट क्लास वाले को ही सिर्फ सेलेक्ट किया है, कुछ को मैंने सेलेक्ट किया. मैं उसी के ऊपर वर्क करना चाहता हूं, सैंपल की बात कर रहा हूं. आइदर डेटा में सैंपल वर्ड दिया हुआ होगा, आइदर डेटा में
जो दिया हुआ है उससे मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट किया हुए डेटा पे वर्क करने के लिए बोलेगा। दोनों में से एक चीज होगी, आइदर सैंपल वर्ड मेंशन होगा या फिर कुछ डेटा है उनमें से कुछ सैंपल को सेलेक्ट किया है, मुझे सिर्फ उस पे वर्क करने के लिए बोला, मैं सैंपल वाला फार्मूला यूज करूंगा। ओके अगर एन वाला फार्मूला यूज कर लोगे आंसर गलत आएगा, जो की रेंज देगा उसमें भी वो वैल्यूज लाइज नहीं करेगी, सो वो गलती बिल्कुल मत करना। प्रोसेस वही रहेंगे, प्रोसेस में चेंजिंग नहीं आएगी। मैं यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ, डेटा को अरेंज कर ले रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पर 61 लिखा, 62, 65, 70 एंड 82। ओके सो फर्स्ट स्टेप एक्स बार कैलकुलेट करना। मैं इन सब का मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, मीन वैल्यूज क्या आता है उस चीज़ को मैं चेक कर लेता हूँ। सर मीन वैल्यूज निकल कर आ रहा है 61 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 5। सो चेक कीजिए, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, सो देयर इज 0, 1 कैरी ओवर। 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22 प्लस 6 28 प्लस 6 28 प्लस 6 34 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करूंगा इट विल बिकम 68। सो 68 इज द मीन वैल्यूज डेट वी गॉट हेयर। ओके सो नाउ वी विल कैलकुलेट डीएक्स। 61 माइनस 68 माइनस 7, 62 माइनस 68 माइनस 6, 65 माइनस 68 माइनस 3, 70 माइनस 68 2, 82 माइनस 68 14, सो आई विल राइट 14 हेयर। There is sigma dx and you will observe that sigma dx is always 0. Minus 7, minus 6, minus 13, minus 3, minus 16, plus 2, plus 14. That is 0 here. So there is no any difference. Now, we will ask, they are asking for a standard deviation. A standard deviation is sigma x. X ke liye sigma x is equal to a square root of sigma dx square upon n minus 1. Because we are working for sample. Okay. So sigma dx square, 7 square. 49, 36, 9 प्लस 4 प्लस 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डेट इज 4। कैलकुलेट कर लीजिए, 14 का स्क्वायर 196 होगा, है ना। सो कैलकुलेट कर लो, तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कि कुछ लोग 8.57 ला रहे हैं, कुछ लोग 5.33 ला रहे हैं, तो ये चेंजिंग क्यों है भैया? 5.33 एंड 8.57 में डिफरेंस क्यों है? ये क्यों ऐसे चेंजिंग ला रहे हो आंसर में? 49 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 196 294 डिवाइडेड बाय 4 73.5, सो स्क्वायर रूट ऑफ 73.5 8.57। यस, तो ये गलती मत करना n माइनस 1 वाला। ओके इसके कारण ही आपका आंसर डिफरेंट आएगा। 5 से डिवाइड कर लोगे तुरंत आंसर चेंज हो जाएंगे और वो ड्रेस्टिकली इफेक्ट करेंगे आपके आंसर पे। ओके okay?
राइट डाउन नेक्स्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होता है? अ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। और ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, है ना, जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसकी बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कैलकुलेट करना होगा तो किसके अकॉर्डिंग? अगर उसने सैंपल वर्ड यूज किया है मैं सैंपल पे जाऊंगा, अगर उसने सैंपल वर्ड यूज नहीं किया है मैं जनरलाइज पे जाऊंगा। मैं गेट का क्वेश्चन कर लेता हूं यहां पे। सो राइट डाउन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2007 सिविल इंजीनियरिंग। कोई भी मन में मत बिठाना कि इलेक्ट्रिकल एसी में नहीं पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, एक रेसिस्टेंस दे देगा, उसकी वैल्यूज में इतनी 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 वैल्यूज मेजरमेंट में आया है। किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हुए, डिजिटल मेजरमेंट का यूज करते हुए किसी रेसिस्टेंस की वैल्यूज उसने कैलकुलेट किया, वो 11 एम 11.5 ओम 13 ओम 13.2 ओम ऐसी वैल्यूज दे रहा है उस रेसिस्टेंस का बार बार मेजरमेंट करने के बाद। उसके बाद बोल दिया कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मीन चाहिए, डिवाइड करूंगा मुझे डेटा मिल जाएगा। सो कोई भी ऐसा मन में मत बिठाना कि सिर्फ सिविल में क्वेश्चन पूछेगा। हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे जो आगे आने वाले टाइम पे हमारे ब्रांच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि गेट 2020 में अटेम्प्ट किया, सर ये तो सिविल में पूछा था, मेरे ब्रांच में कैसे पूछ दिया, पिछले साल तो सिविल में पूछा था, भैया मैंने करके रखा इसलिए मैं करके आऊंगा, नहीं करके रखूंगा तो मैं सोचूंगा अब 20 में, अगर ऐसा 21 में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मैं करूंगा, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। भैया जहां पे करना था वहां तो किए नहीं, अब आगे कब आएगा इसका क्या भरोसा। सो जो भी डेटा दे रहा हूं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यार, एक लाइन का इंफॉर्मेशन है, जस्ट उसको एडॉप्ट करना सीख लो कि हाँ ठीक है देख लिया एक बार, एक क्वेश्चन कर लिया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आरएस अग्रवाल की बुक नहीं बनेंगे अपन कि एक ही टाइप के क्वेश्चन में 20 बार सॉल्व कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर एप्टीट्यूड का बुक आरएस अग्रवाल का यूज कर लो। भैया अगर आप इतने डल हो कि आपको 2+3=5, 5+3=8, 3+8=11 ऐसे कैलकुलेशन आपको करने में 10 बार प्रैक्टिस की जरूरत है, डेफिनेटली आप आरएस अग्रवाल का बुक यूज कीजिए। लेकिन एक इंजीनियर से मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन वो 10 बार करना चाहेगा। एक एक दो दो क्वेश्चन कर लिया ना बहुत हो गया वो। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल इन अ हाईवे इज 8.8 किलोमीटर पर आवर एंड मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल, मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 33 किलोमीटर पर आवर, द कोफिशियंट ऑफ वेरियंस वेरिएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीड इज ऑप्शन ए 0.1517, ऑप्शन बी 0.1867, ऑप्शन सी 0.2666, ऑप्शन डी 0.3646। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया है तो अब जाकर रिपीट करने के चांसेस बन भी जाते हैं, है ना। सो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ बताने लायक ही नहीं है इसमें, मैं क्या बोलूं, फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.8
8 दिए हुए हैं, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 33, जो कि मीन दिया हुआ है 0.26666 अप टू 100 दिया हुआ है, तो देखो आंसर आ जाएगा सी 0.26666, दिस विल बी द आंसर। और देखो गेट के एग्जामिनेशन में ना, जब ऑप्शन दिया हुआ हो और मुझे कुछ भी थ्योरी पता ना हो, तो ऑप्शन को देखकर भी हम कुछ चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। दो ही डेटा दिया हुआ है, इनका मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन कुछ ऐसा ही होगा, मुझे नहीं याद है कि फार्मूला क्या है, मैं इतना डल स्टूडेंट हूं, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन को छोड़ कर आऊं, उससे अच्छा मैं थोड़ा देख लूं। दो ही डेटा दिया हुआ है, एडिशन, सबस्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लीकेशन, यही सब कुछ होगा, तो इसको इससे डिवाइड किया, एग्जैक्ट वैल्यूज आ गए, तो मैं इसी को देख कर आ जाता हूं। कुछ ऐसी चीजें भी मतलब छोड़कर आने से अच्छा है कुछ तो मैं यूज कर लूं, इतनी रिस्क कवर किया जा सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट वन इज कोवेरियंस। अब आगे का टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहेगा, कोवेरियंस। ओके, हम लोग वेरियंस की बात कर रहे थे, हमारा एक डेटा सेट है एक्स, है ना, हम लोग वेरियंस की बात कर रहे थे। वेरियंस कैसे मेजर कर रहे थे? वेरियंस के लिए हम लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल वैल्यूज, दैट इज मीन वैल्यूज, ओके, इससे डेटा का स्प्रेडनेस कैसा है वो हमारा नॉलेज कौन देता है? वेरियंस देता है, स्टैंडर्ड डिविजन देते हैं। ओके, नाउ वी आर लुकिंग फॉर कोवेरियंस, नाम ही आ रहा है को, को इट मींस दो, एक या एक से, दो या दो से ज्यादा की बात आ रही है तभी को की बात आ रही है। तो जब भी कोवेरियंस की बात होगी तो हमारे पास दो डेटा सेट दिए हुए होंगे, तो दो डेटा सेट की बात किस तरीके से करेंगे वो बताते हैं। ये डेटा सेट और ये डेटा सेट में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, फर्स्ट डेटा सेट का दूसरे डेटा सेट के अकॉर्डिंग किस टाइप का वेरियंस नजर आ रहा है, दैट इज द मेजरमेंट कॉल्ड एज कोवेरियंस। द स्प्रेडनेस ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर डेटा सेट इज कॉल्ड एज कोवेरियंस। ओके, सो कोवेरियंस की बात हो यहां पे हो रही है, तो भैया कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? लेट से दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, सो वी विल से दैट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई और इसको हम कैसे लिखेंगे? वेरियंस का फॉर्मूला याद है क्या आपको? सर वेरियंस का फॉर्मूला आपने लिखाया था सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। देखो जस्ट रिलेट कर रहा हूं, आप इन सब चीजों को समझना। प्रोबेबिलिटी में हमने फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था। दिस इज सेकेंड मोमेंट, दिस इज फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर, सो ऑब्वियस ही बात है ये वाला चीज तो आना चाहिए। हम लोग अगर सिर्फ यही लिखते हैं तो ये गलत कहलाएगा। हाउएवर स्टैटिस्टिक्स में जब हम डेटा सेट की बात करते हैं, एक्चुअल डेटा की बात करते हैं, तो ये वाला सिग्मा डी जो होता है ना वो जीरो निकल कर आ जाता है, सो ये वाला गैप हो जाता है, तो बहुत सारे बुक्स में ये वाले चीजें निकल कर नहीं आए। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करोगे तो आपको ऑब्वियसली ये दिखेगा, ये सेकेंड मोमेंट है और ये क्या है? फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर आ गया है यहाँ पर, सो वो कंपेरिजन यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब मैं कोवेरियंस की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग कोवेरियंस की बात करेंगे तो देखो मैं कैसे कैसे रिलेट कर रहा हूँ, इस चीज को समझना। सर ये dx स्क्वायर है, dx स्क्वायर कैसे मिलेगा? सर dx स्क्वायर को मैं dx इंटू dx लिखूंगा तो dx स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं वेरियंस नहीं चाहिए, मुझे कोवेरियंस चाहिए, व्हाई नॉट वी हैव टू राइट कोवी एक्स कोमा वाई, सो मैं इसको ऐसा लिख लूं dx dy अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n इंटू सिग्मा dy अपॉन n, हम ऐसा लिख लें। Yes, that is the formula only. Okay, so just write down this one here. Covariance of x comma y is equal to sigma dx dy upon n minus sigma dx upon n into sigma dy upon n. For the actual one के लिए ये भी क्या होगा? Zero होगा। ये भी क्या होगा? Zero होगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ ये बचेगा। तो most of the time जब आप किसी books वगैरह में formula देखोगे तो सिर्फ ये देखोगे। क्या लिखा हुआ रहेगा? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, या फिर इसी फार्मूले को वो कैसे लिखेंगे? सिग्मा डी एक्स क्या होगा? सर डी एक्स इज एक्स माइनस एक्स बार, डी वाई क्या होगा? वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, ऐसा फार्मूला आपको दिखेगा। ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ओके, सो ये दोनों जीरो हो रहा है इसलिए इसको ओमिट करके मैं ऐसा लिख रहा हूं। इसमें अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, इसको हम लोग यूज करेंगे, अभी सिर्फ इतना लिखो। कोवेरियंस,
ओके, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई मैंने कैलकुलेट किया, सपोज के निकल कर आ रहा है, सपोज के कोई क्वांटिटी निकल कर आई, के निकल कर आया। अब मैं इसमें से कुछ शिफ्टिंग कर रहा हूं। शिफ्टिंग कैसे कर रहा हूं? कोवेरियंस ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी? उसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि इसको स्केल कर रहा हूं, स्केल कैसा, ए एक्स बी वाई, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी? शिफ्टिंग का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, स्केलिंग का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इन सब चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है और इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम पे। कोई बता सकता है? देखो, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस का लॉजिकल क्वेश्चन कैसा आ सकता है? देखो, वो जस्ट एक फार्मूला है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि कुछ डेटा सेट दे दिया और डेटा सेट देकर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन पूछा, है ना। डेटा सेट देंगे तो मुझे मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउएवर, वो एक जस्ट फार्मूला है, वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा उस पर। सो ठीक है, मुझे इन दोनों में आपसे पूछना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्या? इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू रैंडम वेरिएबल्स, इट्स कोवेरियंस इज गिवन बाय सी ओ वी एक्स कॉमा वाई, देन कोवेरियंस, ऑप्शन ए, कोवेरियंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ऑरिजिन इट मीन शिफ्टिंग की बात कर रहा है, चेंज ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग की बात कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में चेंज ऑफ स्केलिंग, डिपेंड्स अपॉन बोथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बोथ, ऐसे ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ए बी सी डी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। सो आपको बताना है इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, समझते हुए चलेगा तो बहुत ही आसान होगा। लेट्स से एक्स कोई सैंपल है और वाई कोई सैंपल है, दिस इज 100, दिस इज 101, दिस इज 102, ओके। वाई का सैंपल लिख लेता हूँ 50, 51, 52। मुझे कोवेरियंस निकालना है एक्स कॉमा वाई का, कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, ओके। सो व्हाट विल बी दी मीन वैल्यू हियर, यहाँ पे मीन वैल्यूज कितनी आएगी? सर, सबको सम कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 101 मीन वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पर वाई का मीन वैल्यूज क्या होगा? सर, सबको सम कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 51 मीन वैल्यूज हो जाएगा। डी एक्स क्या आएगा भैया? dx कैलकुलेट करो, 100 माइनस 101, सर माइनस 1, 101 माइनस 101 0, 102 माइनस 101 दिस इज 1। आप ऑब्जर्व करोगे सिग्मा dx तो 0 ही आएगा। dy कैलकुलेट कर लीजिए, dy कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, 50 माइनस 51, सर माइनस 1, 51 माइनस 51 0, 52 माइनस 51 इट इज 1। सिग्मा dy कैलकुलेट करो सर, सिग्मा dy 0 आ गया। कोवेरियंस का फार्मूला क्या है? सिग्मा dx dy अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। तो डी एक्स डी वाई करना है सर, दिस इंटू दिस 1 प्लस दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 1, 1 प्लस 1 2, सो 2 अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ सैंपल डेटा, सैंपल डेटा कितने, 1, 2, 3, सो डिवाइडेड बाई 3, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 2/3, ओके। सर देखो, होता क्या है कि एग्जाम्स में सम टाइम वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर बड़े बड़े डेटा रख देते हैं। आपको यहां पर कैसा डेटा होगा? 999, 998, 1000, 1005, 1003, ऐसे बड़े बड़े डेटा होंगे। क्यों? कि आपको वो कैलकुलेशन करवाना चाहेंगे और वो जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रॉपर्टीज नोन है शिफ्टिंग वाली या नहीं नोन है। शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टीज है तो उसी बड़े बड़े डेटा को मैं छोटे डेटा में कन्वर्ट करके कर सकता हूं, और अगर मुझे वो चीज नोन नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूं। सो देखते हैं कि शिफ्टिंग का क्या इफेक्ट आता है। मैं न्यू डेटा सेट बना रहा हूं, और न्यू डेटा सेट कैसा बना रहा हूं, मैंने एक्स लिया, इसमें मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, कितने की शिफ्टिंग कर रहा हूं, 100 की। मैं एक्स की जगह एक्स माइनस 100 यूज कर रहा हूं, देखते हैं क्या आता है। सर दिस इज 0, दिस इज 1 एंड 2, ओके। यहां पर वाई माइनस 50 लिख रहा हूं, वाई माइनस 50, सर दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर मैं x बार की बात करूं तो आप 1 बोलोगे, y बार की बात करूं तो ये भी 1 बोलोगे। अगर मैं dx और dy कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे -1, 0, 1, सिग्मा dx 0 हो जाएगा, और dy की बात करोगे तो -1, 0, 1,
सिग्मा डी वाई की बात करोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई पूछूं, सॉरी कोवेरियंस एक्स माइनस 100 वाई माइनस 50 ऐसा पूछूं, तो आप बोलोगे सिग्मा डी एक्स डी वाई टाइप अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन सिग्मा डी वाई अपॉन एन ऐसा बोलोगे। डी एक्स डी वाई 1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाई एन, एन इज नंबर ऑफ सैंपल, देर आर टोटल 3 सैंपल, 2/3 इज देयर, यस वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ना। सो ऐसे शिफ्ट करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, जरूरी नहीं आंसर सेम आएगा। सो व्हाट वी विल से दैट कोवेरियंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ऑरिजिन, है ना, चेंज ऑफ ऑरिजिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सो राइट डाउन रिमार्क 1, कोवेरियंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ ऑरिजिन दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये दोनों सेम ही होंगे, चेंज ऑफ ऑरिजिन से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमने फर्स्ट रिमार्क लिखा। अब दूसरा रिमार्क्स पे हम लोग वर्क करेंगे। ओके राजेश देख लो क्या इफेक्ट आया, है ना सेम ही आया ना, दिगंत सेम रहेगा, वी गुड। ओके सो सेकेंड रिमार्क पे कवर कर लेते हैं, उससे भी एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, हम लोग वर्क करेंगे तो कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन पे वो भी हमें समझ में आना चाहिए कि इंप्लीमेंट कैसे होता है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीजों का। ओके मैंने एक्स कोई डेटा सेट लिया 1000 2000 3000 5000, वाई कोई डेटा लिया 500 1500 3000 10000। ओके मुझसे पूछा गया कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा। ओके सो अगर मैं इसका कोवेरियंस कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मीन कितने आ रहे हैं चेक कर लीजिए, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, 11000 डिवाइडेड बाई 4, 11000 को 4 से डिवाइड कर लोगे तो कितने आ जाएंगे 4 2 5 5 0, ऐसा देख लो, नहीं 11000 है ना डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, मैं 25 से मल्टीपल करके 25 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 × 11 कर लो 25 25 572, तो 2750 आ गए, 2750 आएगा। ओके सो 2750 इज मीन वैल्यूज हियर, वाई बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10000 3000 13 13 + 2 15000, एंड 15000 को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज 7500 डिवाइडेड बाई 2, तो 3750 आ जाएगा। ओके सो 3750 वी विल राइट हियर, नाउ वी विल कैलकुलेट डी एक्स एंड डी वाई। सो डी एक्स अगर कैलकुलेट करूँ तो डी एक्स कैलकुलेट करने पे कितने आ जाएंगे, डी एक्स कैलकुलेट करोगे 1000 - 750, देखो टीडीएस कितना लग रहा है कैलकुलेशन, क्यों टीडीएस लग रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टली डेटा को यूज किया 2000 माइनस, सो माइनस 750, 3000 - 750 दिस इज 250, 5000 - 2750 2250। ओके सिग्मा डी एक्स जीरो ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डी वाई पे वर्क कर लेते हैं, 5 सो दिस इज -3250, 1500 सबस्ट्रैक कर लूँ, 1500 सबस्ट्रैक करूँगा तो -1250 2250 ना 2250 3000 - 3750 -750 इज देयर, एंड देन आफ्टर 10000 - 3750 सो वी विल राइट 6250। ओके इसको भी ऐड करोगे ना तो सेम रिजल्ट देगा, सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू जीरो,
Now, just calculate covariance between x comma y is equal to sigma dx dy upon n minus sigma dx upon n sigma dy upon n. So when you will calculate this one, just करना क्या है, इन दोनों को multiple करना है, add करना है ना, और divided by 4 कर लेना है क्योंकि 4 sample है, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे. Okay, जस्ट कैलकुलेट करोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. लेकिन आपको ऑब्जर्व हो गया कि जब मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा रुक रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, माइंड पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, कितना गंदा कैलकुलेशन यार, इतने बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन कौन करवाता है. ओके, तो जो नंबर्स दिए हुए हैं क्या मैं उसको स्केलिंग का यूज कर सकता हूँ? देखो जरा, स्केलिंग का यूज कर सकता हूँ क्या? मैं इन नंबर्स को कुछ नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स अपॉन 1000, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y अपॉन 500, ax by, जरा इसको कैलकुलेट करोगे तो 1000 से डिवाइड करने के बाद 1, 2, 3, 5 आएगा, 500 से डिवाइड करने के बाद 1, 3, 6, 20. ओके, अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं है ना, यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लेंगे, x बाई 1000 का, y अपॉन 500 का मीन फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि हम जो डेटा सेट फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो क्या इफेक्ट आ रहा है. तो हम लोग लिखेंगे कि कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई इज इक्वल टू ए बी कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. हम इससे कर सकते हैं, ए बी तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा ना यहां से कि ए और बी क्या है. आपको याद होगा, आपको एक फार्मूला मैंने दे रखा है वेरियंस का, और वो फार्मूला क्या था, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, ऐसा फार्मूला मैंने दे रखा था. उसी फार्मूले से यहां पर ए एक्स और ए एक्स है, यह क्या है ए एक्स कॉमा ए एक्स, ए एक्स कॉमा ए एक्स है तो क्या है ए और ए, दो बार ए बाहर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है. अब मैंने क्या किया, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, सो वी विल राइट हियर कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, सो वी विल से डेट एक ए यहां से आएगा, दूसरा बी यहां से आएगा, वी विल राइट ए बी एंड वी विल राइट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. सो इट विल डिपेंड अपॉन अ स्केलिंग और नॉट, यस इट विल डिपेंड अपॉन अ स्केलिंग, स्केलिंग पे डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ ऑरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन स्केलिंग पे डिपेंड कर रहा है. सो राइट डाउन रिमार्क्स टू, कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ अ स्केल, कोवेरियंस चेंज ऑफ अ स्केल पे डिपेंड करता है. सर स्केलिंग के लिए हमेशा पहला वैल्यू ही एक्स एंड वाई के लिए होगा, पहला वैल्यू क्या बोल रहे हो भाई, फर्स्ट वैल्यूज कौन सा बोल रहे हो, फर्स्ट वैल्यूज कौन सा बोल रहे हो? देखो ना फार्मूला ये लिखा है मैंने, कोवेरियंस एक्स ए एक्स कॉमा बी वाई, ए बी कोवेरियंस एक्स कॉमा, अब एक्स की जगह पे यहाँ पे आर टी यूज कर लो तो वो तो वेरिएबल है, आप ऐसा बोल दो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, आप ऐसा बोल लो कोवेरियंस वाई कॉमा एक्स. वेरियंस हम किसके, कोवेरियंस किसके बीच में निकाल रहे हैं, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल, उसके लोकेशन के इंटरचेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं. हाँ इसके अंदर में मल्टीपल क्या है उससे फर्क पड़ रहा है, कोवेरियंस डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ अ स्केल, स्केल पे फर्क पड़ रहा है कि हम उससे क्या मल्टीपल कर रहे हैं, ओरिजिन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है. तो कोवेरियंस का एक तो ये हो गया. ओके, कोवेरियंस पे क्वेश्चन, अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखना, जरा गेट का क्वेश्चन है मैं करा देता हूं. सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्स फ्रॉम इट्स मीडियन इज फिल इन द ब्लैंक. डेटा जो दिया हुआ है
2, 4, 6, 3, 9. जरा इसको निकालना, मैं यहां पर गेट लिख रहा हूं और लिखते टाइम पे ही मैं आपको बता दे रहा हूं यह चीज कि डेटा सेट सेम नहीं था, लेकिन ऐसा ही था। लैंग्वेज क्वेश्चन का यही है, डेटा सेट सेम नहीं है, तो गेट लिख रहा हूं, ईयर नहीं लिख रहा हूं इसमें। ओके, सो क्वेश्चन यही है, सिर्फ यहां पर जो डेटा सेट मैंने लिखा है वो डेटा सेट डिफरेंट है। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्स फ्रॉम इट्स मीडियन। सो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, फर्स्ट टास्क हमारा मीडियन निकालना होगा। तो हम मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सर मीडियन निकालना है ना आपको, तो मीडियन के लिए डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट कीजिए डेटा को, सर 2, 3, 4, 6, 9 सॉर्ट हो गया डेटा। मीडियन क्या बोलेंगे, मीडियन इज द वैल्यू दैट इज अवेलेबल इन मीडियन। मिडिल वैल्यूज कौन सी है, सर 2 इधर से ले लो, 2 इधर से ले लो, ये मिडिल में हो गया, दिस इज द मीडियन। अब मीडियन तो निकल गया, अब पूछा क्या है, सम, सम करना है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का, किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्स फ्रॉम इट्स मीडियन, चेंज इन एक्स फ्रॉम इट्स मीडियन। तो पहले मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें मीडियन को सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर एक्स लिख लेता हूं, और एक्स का जो डेटा सेट है वो 2, 3, 4, 6, 9 है। तो मैं यहां पर डी एक्स लिखता हूं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस मीडियन की बात कर रहा है, एक्स माइनस मीडियन की बात कर रहा है, मीडियन से चेंज की बात कर रहा है, मीन से नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, क्वेश्चन में अगर मीडियन से चेंज पूछेगा, मॉड से चेंज पूछेगा, तो मैं डी एक्स को उस तरीके से लिखूंगा। सो मीडियन जो निकल कर आया है, डेट मीडियन इज 4, मीडियन 4 है, 2 - 4 - 2, 3 - 4 - 1, 4 - 4 - 0, 6 - 4 - 2, 9 - 4 - 5। ओके, अब क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज, चेंज तो निकाल लिया, चेंज का एब्सोल्यूट वैल्यू करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो 2, 1, 0, 2, 5 आएगा। अब इसका सम करना है, मुझे सिग्मा मॉड ऑफ डी एक्स करना है, 2 + 1 + 0 + 2 + 5, आंसर आ गया 3 + 2 + 5 + 5, 10, 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उस लोगों का आ गया होगा आई थिंक, किसी का आया है क्या, चैट क्यों नहीं शो कर रहा है यार, यस वेरी गुड उर्वशी, एक्स 1000 वाई 1000 मीन्स स्केलिंग टेबल में यू टेक एक्स इक्वल टू 1000 वाई इक्वल टू 5000 विच वाज फर्स्ट वैल्यू इन ओरिजिनल टेबल। नयन आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए आई थिंक, या फिर मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। एक्स और वाई दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 लिखा था, मैंने यहाँ पर 500 लिखा था। मैं अस्केलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ए एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बी वाई की बात कर रहा हूँ। ये अस्केलिंग, अस्केलिंग का मतलब ऐसा मत समझो कि यहाँ पर ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन ही है। ये मैं कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर ले रहा हूँ, अस्केलिंग लोअर फैक्टर के साथ अस्केल कर रहा हूँ। ये 1000 है, मैं बड़ा क्यों बनाऊंगा आप इसको, हमारा टारगेट क्या है, नंबर को छोटा करना ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूँ। कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए अगर यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर्स को 1000 से डिवाइड करूंगा। तो मैं यहां पर ए की जो वैल्यूज है 1/1000 डालूंगा। अगर यहां पर 500, 1500, 200, 10000, 2000, 10000 ऐसा है, तो मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगा, 500 से डिवाइड करूंगा। मैं बी की वैल्यूज क्या लूंगा, 1/500 लूंगा। मैं ऐसे कैलकुलेशन करूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये ऑलवेज बड़ा नंबर ही होगा, ये हम इस नंबर को छोटा करना चाहते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। यस मयूरेश, उर्वशी, देवाशीष, ओके गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरिलेशन, ओके सो राइट डाउन कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है सर, अभी हमने कोवेरियंस पढ़ा, कुछ डिस्क्रीट डेटा सेट दिया हुआ है एक्स, कोई डिस्क्रीट डेटा सेट दिया हुआ है वाई, तो हम लोग कोवेरियंस कैलकुलेट कर रहे थे। कोवेरियंस में हम लोग ये चीज बोल रहे थे कि ये डेटा सेट इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग कैसे वेरियंस कर रहा है, उसको कोवेरियंस बोल रहे थे।
तो भैया उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ तो रखोगे कि वो डेटा कैसा मेजरमेंट दे रहा है, 100% मेजर कर रहा है, सेम टू सेम डेटा है, सेम डेटा है लेकिन रिवर्स साइन के साथ है, 50% डेटा मैच कर रहा है, 15% डेटा मैच नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बताओगे, या फिर ऐसा बोलोगे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, समथिंग इज गेटिंग ट्रबल हियर, कुछ ऐसा है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, सारे डेटा ऑकवर्ड सिचुएशन में, एक्स एंड वाई में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा ही बोलोगे, आइदर डेटा 100% मैच कर रहा है, आइदर डेटा 100% मैच कर रहा है लेकिन निगेटिव साइन के साथ मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर डेटा कुछ दिया हुआ है 1, 2, 3, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 3, 2, 1, वी विल से 100% डेटा मैच कर रहा है, देखो 1, 2, 3, 3, 2, 1, देखो मैच कर रहा है ना। या फिर मैं ऐसा लिखूं y=1, 2, 3, इसमें भी 100% मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों में और इन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, रिवर्स जा रहा है। ये दोनों में क्या है सर? ये तो 100% मैच कर रहा है, तो डेटा आइदर 100% मैच करेगा प्रॉपर वे में, सेम डायरेक्शन में, आइदर 100% मैच करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ये दोनों चीज हो सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का कोई सिचुएशन रहेगा। सो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एक मेजरमेंट यूनिट है कि जो डेटा है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहा है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन कोरिलेशन is a statistical measurement to analyze how two or more variables are related to each other. In general, we work on only two data set. हम लोग दो डेटा सेट पे ही वर्क करेंगे, x एंड y. Let's say x एंड y. हमने बोला कि दो ही डेटा सेट पे वर्क करेंगे, x एंड y. अब कोरिलेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोफिशियंट का यूज करते हैं। क्या है नाम? कोरिलेशन कोफिशियंट। सो द स्टडी ऑफ, ये सब लैंग्वेज लिख रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ऑप्शन होंगे, अ स्टडी ऑफ कोरिलेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे ऐसे वर्ड होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि स्टडी ऑफ कोरिलेशन हम किसके थ्रू करते हैं। A study of correlation can be done with the help of correlation coefficient. Correlation coefficient. हम लोग correlation coefficient के help से हम लोग correlation को measurement करेंगे, और correlation coefficient को ना स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और रो ऐसा वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज होता है कोरिलेशन कोफिशियंट को मेजर करने के लिए। तो मैंने आपको बोला कि कोरिलेशन कोफिशियंट जो है ना सर, वो कोरिलेशन को मेजरमेंट का यूनिट के तरीके से है। तो वो आइदर 100% मैच करेगा सेम डायरेक्शन में, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में, या उन दोनों के बीच का कोई भी सिनारियो रहेगा। सो व्हाट वी विल से कि ये जो कोरिलेशन कोफिशियंट आर है या रो है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100%, 100% इट मीन्स 1, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -100%, -100% इट मीन्स -1. सो कोरिलेशन कोफिशियंट आर की जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में ही होगी। ओके, सो कुछ मैं यहां पर डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर रहा हूं कि आर इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर r इज इक्वल टू -1 की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन।
इस केस में अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज कर रहा है, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई डिक्रीज कर रहा है। एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई इंक्रीज कर रहा होगा। हम उसमें बोलेंगे आर इज इक्वल टू माइनस वन है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ओके, अगर आर की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, ना ही जीरो है ना ही वन है, उसके बीच में, तो हम लोग जस्ट बोलेंगे देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यूज माइनस वन से जीरो के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव कोरिलेशन। ओके, r की वैल्यू जीरो है तो हम लोग बोलेंगे नो कोरिलेशन। r की वैल्यू अगर जीरो हो गई ना तो बोल लेंगे कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जस्ट कुछ कुछ वैल्यूज दे रहा हूं मैं, उसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना लेना। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, देयर इज अ वीक कोरिलेशन, देयर इज अ वीक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन कोरिलेशन कोफिशियंट आर मे बी, कोरिलेशन कोफिशियंट आर की वैल्यू पूछा है 0.7 माइनस 0.7 माइनस 0.31, व्हाट यू विल गिव द आंसर? देयर इज अ वीक कोरिलेशन बिटवीन, देयर इज अ वीक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हिच वन इज द करेक्ट? वीक कोरिलेशन, कोई आंसर दे सकता है इसका? सेविक नंबर की बात क्या, नंबर दे सकता हूं मुझे वो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो यार, वहां पर सबके नंबर है। नंबर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो नंबर, लो ये मेरा नंबर। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी एंड सी बोथ दे रहे हैं। वीक की बात हो रही है, वीक वीक कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत। देखो क्वेश्चन आ गया, थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उस थ्योरी को पढ़ने के बाद जैसे ही हम लोग इंप्लीमेंट करने की बात आ रही तो हम लोग फेल कर जा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन में। ओके, आर की वैल्यूज अगर वन है तो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, और परफेक्ट में कैसा है? पॉजिटिव है। अगर r की वैल्यूज माइनस वन है तो ये भी परफेक्ट है, और ये कैसा है? निगेटिव। ये 100% है, परफेक्ट है। इट मींस माइनस वन के नजदीक में जाएंगे, माइनस वन के नजदीक में जाएंगे तो मैं बोलूंगा स्ट्रांग है। प्लस वन के नजदीक में जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रांग है। प्लस वन के नजदीक में स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस वन के नजदीक में स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशन। अगर जीरो के नजदीक में है बोथ साइड, आइदर प्लस और आइदर माइनस, टाइम हो गया, ओके कोई नहीं। अगर मैं जीरो के नजदीक में हूं तो मैं आइदर प्लस और आइदर माइनस की बात करूंगा, है ना, आइदर प्लस और आइदर माइनस की बात करूंगा। अगर जीरो से थोड़ा आगे गया तो 0.3, 0.2, 0.1, 0.001, ऑल दीज आर वीक कोरिलेशन। निगेटिव साइड में जाएंगे तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा -0.1, -0.01, -0.2, -0.25, -0.3, ये सब क्या है? वीक कोरिलेशन है। जीरो एंड वन का मिडिल पॉइंट कौन सा है? 0.5, है ना, तो 0.5 से कम की तरफ जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? वीक हो रहा है। 0.5 से आगे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? स्ट्रांग हो रहा है ना, ऐसे ही बात करेंगे। यहां पर क्या है? वीक है, और यहां क्या है? स्ट्रांग है। उसी तरीके से अगर मैं माइनस वन पे जाऊं, यहां पे -0.5 है और यहां पे जीरो है, तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं? वीक है, और यहां पर क्या बोलूंगा मैं? स्ट्रांग है। ये पॉजिटिव में स्ट्रांग है और ये निगेटिव में स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग है। तो वीक में कौन सा आएगा? सर ओनली सी, नॉट बी सी, ओनली सी। सी इज द वीक निगेटिव कोरिलेशन। सो लिख लेता हूं, ये पॉजिटिव है और स्ट्रांग है, ये नेगेटिव है और ये भी स्ट्रांग है, ये नेगेटिव है लेकिन वीक है, ये परफेक्ट है और परफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, सो अभी कोरिलेशन फिनिश नहीं हुआ है, कोरिलेशन हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक क्या क्या बचा है वो मैं बता देता हूं आपको, ताकि कल के क्लास में हम कवर कर पाए उनको। कोरिलेशन रिग्रेशन है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन, एरर एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडल पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या है रिग्रेशन कॉन्सेप्ट, रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, केमिकल वाले खासतौर पे ध्यान देना,
ठीक है, और सिविल में एरर एनालिसिस टॉपिक, जिस ब्रांच में एरर एनालिसिस इंक्लूड किया होगा वो इन सब चीज़ों पे ध्यान में देंगे। डजेंट मैटर वो कैलकुलस में मेंशन किया है या फिर वो कहीं पे मेंशन किया है, एरर एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सो आज के लिए मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, कल फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल का लेक्चर का टाइम 11:30, कल का लेक्चर का टाइम 11:30 AM टू 1:30 PM, इस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, पहले ही कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। थैंक यू।